नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी है लोगों को। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो इस तरह से सामने आया है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने गुरुवार को बयान दिया था कि देश जो है 70 साल में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आप नकदी संकट को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था, उसके बाद हालांकि राजीव कुमार ने यू टर्न ले लिया और कहा कि मीडिया जो है उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा रही है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो मैदान में आ चुकी है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसके हालात बेहतर है, चीन अमेरिका और यूरोप से हालात जो है भारत में बेहतर है, पूरा विश्व जो है मंदी के दौर से गुजर रहा है, ये कहना है निर्मला सीतारमण का। और ये जो मंदी का दौर पूरे विश्व में है वो उसकी वजह है चीन अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड वॉर। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में हैं। आर्थिक मंदी पर निर्मला सीतारमण ने भरोसा जताया है, रेपो रेट में कटौती का फायदा जो है वो तुरंत ही ग्राहकों को मिलेगा, शेयर बाजार में कैपिटल गेन से सरचार्ज हटेगा। तो अब निर्मला सीतारमण का ये जो पूरा बयान है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बातें उन्होंने कही है, उसे इससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राजीव कुमार ने आरोप लगाया था, जिस तरह से बयान दिया था, हालांकि उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो खुद सामने आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताती है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से बेहतर कंडीशन में है। निर्मला सीतारमण का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है राजीव कुमार के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने जिस तरह से बयान दिया था, यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर खुद जब सामने आई हैं तो उन्होंने लोगों को भरोसा जताया है कि अर्थव्यवस्था हमारी जो है बेहतर हालात है उसके, और रेपो रेट में कटौती का फायदा तुरंत ही ग्राहकों को मिलेगा, शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स से सरचार्ज हटेगा। अब ये पूरा मामला जो है इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि राजीव कुमार के बयान के बाद अब खुद फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने देश के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया है कि किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसके हालात बेहतर हैं।